बच्चे तो बच्चे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भेड़ आबादी वाला देश है। अगर सरकारी आंकड़ों की बात अगर मैं करूं तो 2017-18 में 65.07 मिलियन भेड़ों के साथ 43.50 मिलियन किलोग्राम कच्ची ऊन का उत्पादन हुआ था। लेकिन यहाँ आज जहाँ मौजूद हैं त्रिवेणी कला संगम में, ये छोटे छोटे व्यापारी कई मांगे लेकर आए हैं। ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये ऊनी कपड़े बनाते हैं, जिस तरीके से पहले ज़माने में सेल होती थी जो कि ये कपड़े हाथ से बनाते हैं, वो सेल अब नहीं हो रही है। इनकी कई शिकायत हैं। ये कहते हैं कि अब मार्केट में चीनी कपड़े कम दामों पर उपलब्ध होने के बाद लोग इनके कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। इनके बनाए हुए कपड़े, हैंडमेड कपड़े जो होते हैं, आज हम इन लोगों से बात करेंगे। इनके जिस तरीके से ये कपड़े बनाते हैं उसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और इनके व्यापार को लेकर भी बात करेंगे और इनका जो मकसद है, जो ये सरकार से मांग कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक से बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, हमारा नाम है गोपी कृष्ण। हम 40 साल से ये भेड़ बकरी पालक, घुमंतु भेड़ बकरी पालक है, उनके साथ हमारा संगठन है। हमारे देश में, हमारे प्रांत में, नॉर्थ कर्नाटका में 8 मिलियन भेड़ है और 60,000 नोमैडिक शेपर्ड्स है, मतलब घुमंतु जो भेड़ पालक होते हैं वो हमारे पास 60 लाख लोग हैं। तो हमारे देश में व्यवसाय के साथ भेड़ पालक भी बहुत है, क्योंकि हम भेड़ पालन इसलिए करते हैं कि हमारे खेती में इसका खाद के लिए बहुत उसका मांग है और उसके लिए हमारे भेड़ बकरी वाले रात में खेतों में बिताते हैं। खेतों में बिताए तो फार्मर्स हमको एक भेड़ को 3 रुपया देते हैं और खाना पीना देते हैं। हमारा भेड़ बकरी वाले मांस के लिए नए उत्पादन कर रहे हैं। हम लोग हमारा व्यवसाय में खाद और उसे आहार सुरक्षा आने के लिए हमारा धर्म बोलता है। ये हमारा एक धर्म का व्यवसाय है। ये धर्म का व्यवसाय में हम आहार का सुरक्षा गांवों में ये लाने के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण ये करते हैं, काम करते हैं। जैसा आदमी को हेयर कटिंग चाहिए वैसा ये बेड को भी साल में 2 बार हम लोग उसका ऊन निकालते हैं। वो ऊन से हम कंबल बनता है, आप देखेंगे तो उधर है ना वो काला कंबल, वो कंबल हमारे पास बहुत महत्व है। वो कंबल जो है चादर का सर का नीचे बिछा के दरी का सर का ये कर सकते हैं, चादर का सर का ओढ़ सकते हैं और बरसात में इसको रेनकोट का सर का यूज़ करते हैं। तो ये कंबल हमारे इलाके में हर एक के घर में, कुछ भी शादी हो, ब्याह हो, कुछ फंक्शन हो, कुछ पूजा हो, इसी के ऊपर बैठ के करते हैं। इसके लिए इसका लोकल डिमांड है। पहला हमारे पास बहुत ऊन पानीपत आता था, हर साल हम लोग 8 गुड्स ट्रेन लोड बेचते थे। जब मिलिट्री में और पुलिस में इसका ही कंबल बन के इस्तेमाल होता था। अभी क्या हो गया, सॉडी यान बोल के इम्पोर्ट कर रहे हैं अपन, वो चिंदी का कपड़ा ये सब मिला के उसको ये करके, इसका डिमांड अभी पानीपत में कम है, सब इम्पोर्टेड ये हो रहा है। और चाइनीज से हम लोग उधर उधर का खचरा जो है डेड वूल उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं हम लोग स्काउड वूल बोल के, एक्चुअली वो डेड वेस्ट है, उसको लेके आजकल पहन रहे हैं। आजकल जो भी आदमी स्वेटर पहन रहा है वो सेकेंड हैंड है, नया नहीं है, उसमें पुराने चिंदी करके वो स्वेटर है जो यूरोप से इधर से उधर से आता है ना, उसको ये करके स्वेटर बनता है, उसको पहन रहे समझ के नया बोल के, वो पूरा सेकेंड हैंड है। मैं उत्तराखंड में कौसानी से हूँ, अल्मोड़ा से के पास कौसानी है, वहाँ से हूँ। और कताई बुनाई इक्विपमेंट में जो
पताविना में जो इक्विपमेंट काम आते हैं उनका निर्माण करता हूँ, और लगभग 55 साल से मैं प्रत्यक्ष काम कर रहा हूँ इसका। हाँ, ये सरकार तो इसको बहुत नहीं समझती है इस काम को, हमारे काम को। ये एक बहुत दुखद प्रश्न है। उत्तराखंड में ऊन उद्योग उत्तराखंड की पहचान है, लेकिन इतना होते हुए भी कहने को तो दोहराते हैं नेता लोग कि ऊन उद्योग हमारी पहचान है, पर समझते कुछ नहीं है। अभी जिस ऊन पर आपने देखा होगा मैं जो कार्ड कर रहा हूँ, वो पिंडारी ग्लेशियर के पास जो भीड़ पालक है वो उसको जला देते हैं, फेंक देते हैं, तो बहुत उदासीन हैं। सरकार का कोई इसमें उत्तराखंड, खास रूप से उत्तराखंड की सरकार तो बहुत शिथिल है, चाहे वो कांग्रेस की आई हो चाहे वो बीजेपी की आई हो, सरकार की उपेक्षा हमेशा रही है उन कार्यकरों के बीच। और ये मेक इन इंडिया पे आपका क्या कहना है? ऊन उद्योग के संबंध में मेक इन इंडिया का कोई रोल नहीं है, वो समझते ही नहीं हैं कि ऊन क्या है, कारीगर क्या है, कताई बुनाई क्या है, ये इनके पल्ले नहीं पड़ता है। यहाँ पर मेक इन इंडिया कुछ नहीं के बराबर है। कुछ नौजवान उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारी भाषा में, हमारे आम आर्थिक भाषा में तीन शब्द आते हैं, शोषण, एक शोषण शब्द है, एक दोहन शब्द है, एक परस्पर पोषण शब्द है। तो होना ये चाहिए कि परस्पर पोषण होना चाहिए। तो जो लोग अभी, जो नौजवान जुड़े हैं, वो दोहन कर रहे हैं, शोषण तो नहीं कर रहे हैं, काम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो दोहन कर रहे हैं जो कला है। हमारी स्वेटर 400 रुपये की होगी, बाहर का कंबल 150 रुपये का होगा, वो चकाचौंध है उसमें, चाइना का माल आया है, तीन एक सीजन के बाद उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो उनको ये समझ में नहीं आता है, जिसको चकाचौंध कहते हैं, वो चीज़ उनको समझ में नहीं आता है कि वास्तव में कॉस्ट क्या है। हमारी एक चादर 50 साल तक, जो मैं अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत साल पहले जो चादर दी थी, 50 साल हो गए हैं, वो आज भी उनके पास है, लेकिन अभी जो बाहर से चादर आती है, जो लुधियाना से आती है या चाइना का जो माल आता है, वो अगले साल को नहीं रहता है। कितना रॉ मटेरियल व्यर्थ चला गया, कितने भेड़ पालक कहते हैं कि हम अपनी ऊन को आग लगा देंगे, जो बढ़िया बढ़िया ऊन हो सकती थी वो अपने ऊन को आग लगा रहे हैं, ये अच्छी 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 बात थोड़ी है। इसको निकालने के लिए उल्टा चला सकते हैं। ये कार्डिंग मशीन है, तो कार्डिंग मशीन में क्या होता है, जो रॉ ऊन होता है वो चिपकी चिपकी रहती है, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाथ से खोल करके इस मशीन में डालते हैं और इस मशीन को घुमाते हैं, एक बार जरूरत पड़ी दो बार तीन बार, तो वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि कताई में उपयोग में आती है। पहले क्या होता था कि बहुत देर लगती थी, अब फटाफट कताई हो जाती है और उसे तागा बन जाता है अच्छे से, और बस आगे का काम सरल हो जाता है। जो पूरा प्रयास है इसको यहाँ पे सेंटर फॉर पैस्टरलिज्म नाम की एक इनिशिएटिव है, एक कार्यक्रम है जो सहजीवन संस्था जो भुज बेस्ड है, कच्छ बेस्ड है, और उन्होंने एक नेशनल इनिशिएटिव कॉल्ड सेंटर फॉर पैस्टरलिज्म इनिशिएट किया। ये करीबन 5 साल से कार्यरत है। इसका पूर्व भूमिका ये था कि 2016 में पूरे घुमंतु पशुपालकों की ज़िंदगी, उनकी जो व्यवसाय, उनके ज़मीनी मुद्दे को लेते हुए एक पूरा एक एग्जीबिशन बना था, लिविंग लाइटली नाम का, लिविंग लाइटली जर्नीज विद पैस्टरलिस्ट, और वो करीबन 6 साल पहले दिल्ली में IGNCA में काफ़ी सारे घुमंतु पशुपालक एक साथ आए, एग्जीबिशंस हुए, इवेंट्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुए, और उसके संदर्भ में ये तय हुआ कि एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, एक संस्था होना चाहिए, शायद एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे घुमंतु पशुपालकों के बहुत सारे प्रश्न को उठाया
जा सकता है। और काफ़ी सारे मुद्दे जो है अलग अलग हिस्से में, वेस्टर्न हिमालय में जो घुमंतु पशुपालक है उनके उनके कुछ प्रश्न मुद्दे अलग है, संस्कृतियाँ भी कहीं एक साथ भी है कुछ अलग भी है भिन्न भी है, और फिर दक्षिण में है, फिर गुजरात और राजस्थान में भी है घुमंतु पशुपालक। वैसे हमारे देश में हर कोने में आप देखोगे कि भेड़ बकरियाँ गाय भैंस चराने वाले आपको जहाँ पे जाओगे आप मिलेंगे, है ना। आप पहाड़ों में जाओगे हॉलीडे के लिए वहाँ पे भी मिलेंगे, आप हाईवे और एक्सप्रेसवे में जाओगे तो वहाँ पे भी मिलेंगे। ये इवेंट इसलिए भी किया कि पूरा एक स्पॉटलाइट ये मुद्दे पे आए, मुद्दे पे भी आए, इसकी जो खूबियाँ हैं तेजी उस पर भी आए, और उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस पर भी आए। इसलिए बाज़ार भी है, मुद्दे को भी हमने एग्जिबिट किया है, उसकी कहानियाँ भी हैं और डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो चार दिन पहले जब इसका उद्घाटन हुआ तो उसमें जैसे मैंने कहा कि पशुपालन के मंत्री जो है वो तो आए, टेक्सटाइल मंत्री जो है, जो कॉमर्स मंत्री भी है माननीय मंत्री जो पीयूष गोयल जी है, वो भी उनको भी बुलाया था और वो भी आने वाले थे। उद्घाटन दोनों साथ में करने वाले थे ताकि पशुपालन, कॉमर्स और टेक्सटाइल ये तीनों मंत्रालय जो है वो एक साथ इस पर सोचेंगे तभी इसमें एक बदलाव आएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो वूल का जो ट्रेड है ये तो कॉमर्स का विषय है, इसको टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री में कैसे हम वापस देसी उनको ले आए और इसका एक मिशन बनाए, ये टेक्सटाइल मंत्रालय का काम है। और हमारी देसी नस्ल जो है जो आजकल इसको पलटाव इसलिए आया है क्योंकि हम जितना ज़्यादा वूल इंपोर्ट कर रहे हैं हम एक्चुअली मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बहुत बड़े पैमाने पे हम वी आर वन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ गोट एंड शीप मीट। तो जो पशुपालक है उन्होंने अब अपना ब्रीडिंग को शिफ्ट किया है, तो वो ऐसे ब्रीड्स रख रहे हैं जो जिसमें ज़्यादा फैटी है, जो मीट है, क्योंकि मीट मिनिस्टर आए तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया। हाँ, तो जब मिनिस्टर आए उन्होंने भी वो भी थोड़ा चौंकी दे ये पूरा प्रश्न से, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ध्यान हमें वापस देसी उन पे देना चाहिए, देसी नस्लों पे देना चाहिए, और हमारा मंत्रालय चाहेगी कि हम इस पे ठोस काम करें। और हमने ये बात रखी है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में अब एक देसी उन मिशन हो और जल्द से हो, ये इससे ज़्यादा मेक इन इंडिया क्या हो सकता है। क्या नस्ल यहाँ के है, जो ऊन यहाँ का है, इसके जो पैदास, इसके इनोवेशन, क्योंकि आप सिर्फ एक भेड़ पशुपालक को मत देखिए, ये देसी ऊन एक बहुत बड़ा जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है, कारपेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर सकता है, बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी कर सकता है, जो क्राफ्ट इंडस्ट्री को कर सकता है। तो ये एक ऊन जो है इसमें कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइवलीहुड्स खड़े हो सकते हैं, और एक इसकी जो वुल इकोनॉमिक्स जो है इसमें हमें एक पलटा ले आना है, और ये छोटे छोटे स्कीम से नहीं होने को ये वाला, इस पर एक बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना है और देसी उन मिशन करना है। तो ये एक हमने भी ये फोकस रखा है, और हम चाहेंगे एक्चुअली टेक्सटाइल मंत्रालय से कोई अभी तक आया नहीं है यहाँ पे, और मंत्री जी नहीं आ पाए, लेकिन हम अभी भी चाहते हैं, अभी दो दिन है और हम चाहेंगे कि वो आए और हम भी उनके साथ बैठे इस पर बातचीत करें। और आपने यहाँ पे देखा है बहुत सारे करीबन पूरे देश से, हिमालय से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, इस सभी जगह से लोग आए हैं। तो मुझे तो सब चाह रहे हैं कि टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ, कॉमर्स मंत्रालय के साथ, पशुपालन मंत्रालय के साथ एक ठोस बातचीत हो इस पर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।